तो हमारा इसमें केमिस्ट्री वाले पार्ट में टॉपिक चल रहा था कार्बन व कार्बन के बने हुए यौगिक, और इसमें हमने कार्बन है क्या वो थोड़ा पढ़ा है। उसके बाद कार्बन के एलोट्रॉप्स यानी अपर रूप वगैरह के बारे में कुछ डिस्कस किया है। उसके बाद कार्बन के अलग अलग कंपाउंड कौन कौन है, इसमें बहुत सारा क्या है, बड़ा फील्ड है ये। उसमें अपने एग्जाम के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट अपने वही कर रहे हैं, और इसमें पहला क्या किया है, फर्स्ट कार्बन के यौगिकों में पहला क्या लिखा है, फर्स्ट पहला डेली याद किया करो, ये दो पन्ने के बाद पीछे वाले भूल गए सारे। कार्बन कार्बन के अपर रूप किए हैं। उसके बाद दूसरा है आईयूपीएसी नामकरण हाइड्रोकार्बन का, किस प्रकार से उनके आप आईयूपीएसी नाम लिखेंगे वो लिखा है। उसके बाद अगला क्या लिखा है, पॉलीमर बहुलक वाला किया है, बहुलक का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से, किस बहुलक के लिए मोनोमर यानी एकल इकाई का नाम क्या है वो थोड़ा इसमें पढ़ा हमने। उसके बाद साबुन और अपमार्जक के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमने साबुन अपमार्जक पढ़ा है। उसके बाद फ्रियोन है ना, सीएफसी क्लोरोफ्लोरो कार्बन, और उसमें हमने थोड़ा सा कल लिखा था कि सीएफसी है क्या और सीएफसी का नाम लिखने का तरीका क्या है। तो नाम लिखने का तरीका क्या लिखा है, सीएफसी फ्रियोन आगे क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड। एक्स क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या करेंगे माइनस ए घटा के लिखना है। फिर वाई क्या था, नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, ए के बढ़ा के लिखना है। और लास्ट लास्ट में जेड वाला क्या था, फ्लोरीन, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम जो दे रखे हैं उतनी लिखनी, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। और उसके आधार पे हो सकता है आपको फॉर्मूला लिख दे, उसका नाम पूछ ले कि फ्रियोन 11 है या 12 है, 112 113 जो भी आ रहे हैं, या फिर नाम लिख दे उससे आपको फॉर्मूला बनाना पूछ ले, तब वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कार्बन कितने लिखने हैं एफ, और बाकी जो बच गए वो क्या लगाने आपको, सीएल लगाने बाकी बचे हुए। उसके बाद फ्रियोन जो है ना सीएफसी, ये हमारे लिए कितना घातक है, तो इसमें थोड़े से आपको दो चार पॉइंट याद रखने हैं। और दो चार पॉइंट में सबसे पहले क्या है, जब हम फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन काम में लें, काम में लेने के बाद अधिकतर किस में यूज में लेते हैं, इसको प्रशीतक के रूप में है ना, एयर कंडीशन में, प्रशीतक में कोई जैसे एसी वगैरह है या फ्रीज है, आजकल तो इसका यूज क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित है, वैसे कम कर दिया गया, लेकिन आजकल सीएफसी की जगह क्या शुरू हो गया, एचएफसी स्टार्ट हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो इतना घातक नहीं है, तो लेकिन फिर भी इसका यूज कर रहे हैं। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अणु जो है, ये क्या है, फ्रीज या एसी में से निकलने के बाद कहां जाएंगे, ऊपर वायुमंडल में हल्के होने के कारण, ऊपर जाएंगे तो ऊपर पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच जाएंगे, वायुमंडल के समताप मंडल में पहुंच जाएंगे, और समताप मंडल का अंतिम भाग क्या है, ओजोन परत। तो क्या करते हैं, ओजोन परत को क्या कर देंगे, तोड़ने का काम करते हैं, और ओजोन हमारे लिए क्या है कि रक्षा कवच के रूप में काम करता, कैसे करता वो देखना है। अब जैसे ये है पृथ्वी हमारी, ये क्या है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के पास वाली परत जो है ना, जिसमें मौसम संबंधी सभी परिवर्तन होते हैं, ये क्या है, क्षोभ मंडल, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। यहां पर मौसम संबंधी सभी परिवर्तन, जो भी वर्षा आना है, बारिश होना है ना, आंधी आना है, भूमूली आना है, चक्रवात आना है, कोई भी आना हो, तो जितने भी मौसम संबंधी चेंजेस सारे क्या होते हैं, वो क्षोभ मंडल में। इसके बाद क्षोभ मंडल के बाद ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये क्या आता है, दूसरा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। और समताप मंडल है, इसका मतलब सम मतलब समान, ताप मतलब टेम्परेचर, जिसका ताप क्या रहे बिल्कुल ही सम। तो इस वायुमंडल की परत का तापमान लगभग क्या रहता है, समान, और जहां टेम्परेचर समान रहे वो परत क्या है, वायुयानों की उड़ानों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो अगर आज ना वायुयान की उड़ान के लिए सबसे उपयुक्त वायुमंडल की परत कौन सी है, तो रात को देखते हो ना कई बार लाल लाल लाइट जलती है यूं, तो आप देखते हो कि हवाई जहाज जा रहा है, तो वो जो परत है कौन सी है, वो समताप मंडल में उड़ते हैं सारे। और समताप मंडल का जो भाग है ना, लास्ट वाला भाग, ये थोड़ा सा समताप मंडल के लास्ट वाला भाग, और कई बार एग्जाम में किसी ने पूछते हैं कि ओजोन परत या ओजोन मंडल वायुमंडल के किस मंडल का भाग है, तो किसका भाग है, ये समताप मंडल का ही भाग है। ये क्या, ओजोन परत या ओजोन मंडल है, ये ओजोन परत या ओजोन मंडल, जहां पर ओजोन गैस की अधिकता होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है ओजोन गैस की,
और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। और कई बार पूछते हैं ओजोन की परमाणुकता बताइए, तो कितने परमाणु जुड़े हैं ओजोन में? 3 जुड़े हैं, इसकी परमाणुकता 3 है। ऑक्सीजन गैस की परमाणुकता 2 O2 लिखते हैं, तो जिसका जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले में कितनी संख्या लिखी है वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। O2 2N2 2Cl2 2 हीलियम 1। हीलियम के दो अणु आपस में कभी भी जुड़ते नहीं है, अक्रिय गैस है, क्रिया नहीं करती, इनर्ट गैस है, वह उसकी परमाणुकता 1 है। और ओजोन में कितने है ये? 3। तो परमाणुकता कितनी इसकी? 3 है। ओजोन के बाद फिर क्या आता है? कौन सा भाग है? आयन मंडल, आयनोस्फीयर, आयन मंडल है। और आयन मंडल के बाद फिर ये सूर्य के पास वाला भाग आ गया, यूं है ना, और आयन मंडल को बोलते हैं। और ये जो है ना पास वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल, आयनोस्फीयर या मेसोस्फीयर बोलते हैं। बहिर्मंडल जो जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और सूर्य के पास वाला भाग है। अब हमें तो मेन यही ध्यान रखना है, बस हमें ये देखना है। तो यहां से पृथ्वी से क्या गए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां पहुंच जाएंगे? इस ओजोन में। और ओजोन क्या काम करता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण जो है उनका क्या करता है? अवशोषण। अवशोषण कैसे करता है? मुंह खोल के रखता है और अल्ट्रावायलेट किरणें आती है और उनको खाता रहता है। तो ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण कैसे करता है? इस तरह से। ओजोन जो है ना, ये यूवी रेज आई यहां से, यूवी अल्ट्रावायलेट, और क्या करेगा? खुद टूट जाएगा यूं, इस तरह से। और ये इस यूवी का इसने यूज कर लिया अपने विखंडन या विघटन में। तो जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है ना, सारी यहां पर क्या हो जाएगी? अवशोषित, और ये नीचे हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगी। तो हमारे लिए कंबल या यू कहते हैं कि आवरण के रूप में काम करता है, सुरक्षा आवरण है ये। अब आपने क्या किया? इस सुरक्षा आवरण में छेद कर दिए नीचे से, यूं डंडा मार मार के। कैसे कर दिया? यहां से सीएफसी गया ऊपर, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये देख के बताना ये कौन सा है, इसका नाम क्या है? फ्रियोन। आगे क्या लगाओगे? पहले कार्बन की संख्या एक घटा के लिखनी है, तो एक है तो क्या आ गया? 0। सॉरी है ना, ये पहला एक्स क्या है? पहला एक्स कार्बन की संख्या क्या करनी है आपको? -1 करनी है। तो यहां कितनी है? एक है, तो ये घट गया, तो क्या हो गया? 0। दूसरा हाइड्रोजन की संख्या एच नहीं है, एक बढ़ा के लिखना है, तो क्या आ गया? 1। और फ्लोरीन की संख्या AgT यानी 2। इसका नाम क्या है? फ्रियोन 12 है ये फ्रियोन 12। ऐसे बहुत सारे फ्रियोन है, ऊपर जाएंगे ना, ये जाने के बाद क्या करेंगे? इस तरह से यूं ओजोन के साथ क्रिया कर लेंगे यूं, और ओजोन के साथ क्रिया करके इस तरह से बना देंगे यूं CF2 और यहां ClO इस तरह से, और O2 तोड़ देगा यूं। यहां से क्या है? इस तरह से मुक्त मूलक का निर्माण हो जाएगा। O को कौन ले लेगा? ये फ्रियोन ले लेगा। फिर अगले में वापस क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो है ना, ये बना हुआ मुक्त मूलक वापस ओजोन से क्रिया करेगा, करके वापस वो तो बन जाएगा फ्रियोन 12 प्लस 2 अणु किसके बन गए? ऑक्सीजन के बन जाएंगे। एक ले आया इसने, O4 होती 2 O2। इसका मतलब, कहने का मतलब है ओजोन को किस में चेंज कर रहा है? ये ऑक्सीजन गैस में चेंज कर रहा है। और धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे अणु जाएंगे और सभी क्या करेंगे? ओजोन को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। और जहां पर ओजोन बहुत ज्यादा टूट जाएगी ना, वहां पर ओजोन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। और डेंसिटी कम होती फिर वहां पर ओजोन गैस नहीं रही, तो वहां से यूवी रेज के सीधी पृथ्वी पर आने क्या हो जाएगी? स्टार्ट। तो उसको बोलते हैं क्या? बोलते हैं ओजोन होल, या ओजोन क्या बोलते हैं? छिद्र कहते हैं। तो वहां पर क्या बन गया? एक ओजोन छिद्र बन गया। और जैसे कल बताया था, ये बहुत अधिक हानिकारक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, ये ओजोन परत के लिए बहुत हानिकारक। और एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आया था इस पे कि ओजोन के लिए अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन वाली परत में पहुंच जाए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन के कितने अणुओं को नष्ट कर देता है? कितने को? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने को? 1,00,000। देख लो, अकेला एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु
1,00,000 ओजोन के अणुओं को तोड़ देता है। और अगर आपने 5-10 ऊपर भेज दिए तो 4-5 लाख ओजोन को ले बैठोगे आप। और ऐसे भारत में 170 करोड़, ये 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ ऐसे भेजने शुरू कर देंगे तो ओजोन बचेगी नहीं, तो उसको बोलते हैं ओजोन छिद्र। तो ये ओजोन छेद हो रहा है किससे हो रहा है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण। तो सीएफसी में एक तो आपको याद रखना है क्लोरोफ्लोरो कार्बन इसका पूरा नाम, दूसरा सीएफसी का नामकरण आपको आना चाहिए इस तरह से नाम लिखने का तरीका, और तीसरा सीएफसी का यानी दुष्प्रभाव क्या, यानी कहां पर ये क्या काम कर रहा है वो। तो कल लिखा था ना हमने, उसके नीचे 2-3 पॉइंट और एड कर लो। हाँ, ओजोन है ना, ओजोन को ऑक्सीजन में चेंज करती है, फिर वापस ये ओजोन ऑक्सीजन जो है ना वापस अल्ट्रावायलेट लेकर वापस क्या है ओजोन बदल जाएगी। तो ओजोन गैस का निर्माण भी होता है और यूवी से वापस क्या है टूटती भी है, ये क्रिया वापस भी होती है, यानी O2 प्लस O, इससे ओजोन बढ़े इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा किसमें होती है वो अल्ट्रावायलेट में, जितनी टूटे उतनी वापस मिली, तो वापस क्या बन गई, ये बन गई ओजोन। तो ओजोन का बनना और टूटना ये लगा रहता है किससे, इस अल्ट्रावायलेट से, इसलिए बनने और टूटने में ये क्रिया नहीं जो प्रकाश हमारे काम में आ गया। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना ये वापस बनाने का काम नहीं करता, ये एक बार टूट गया ना इसको ऑक्सीजन में चेंज कर दिया, और वापस कब बनेगी जब ये मुक्त, यानी इसको तो मुक्त मूलक ऑक्सीजन ये रहे ना तब बनेगी, और ये रहने नहीं देता, ये वापस जोड़ के किस में चेंज कर दिया O2 में, मिलेगी नहीं वापस नहीं बनेगी ये। तो यहां तो वापस बनने वाला काम भी हो रहा और टूटने वाला, इसलिए इसकी सांद्रता में चेंज नहीं होता, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन केवल इसको O2 में चेंज करता है, इसलिए इसकी धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी कम होती चली जाती है। तो कल इसके नीचे लिखाओ, कल लिखवाए उसके नीचे, और इसमें लिखो सूर्य से आने वाली हानिकारक, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करने का कार्य। और आगे लिखो डेस करके, कौन करेगा, ओजोन परत या ओजोन मंडल, ओजोन परत। फिर अगला पॉइंट लिखो, ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल का भाग होती है, ओजोन मंडल या ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल का भाग होती है, समताप मंडल का भाग होती है। और आगे लिख लो, आगे ब्रैकेट लगा के इसमें, इसी के आगे ब्रैकेट लगा के लिख लो, समताप मंडल का अंतिम भाग। फिर अगला पॉइंट लिखो और लिखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को नष्ट कर देता है, ओजोन के 1,00,000 अणुओं को नष्ट कर देता है। इसको अंडरलाइन कर लो, ओजोन का एक अणु, ये सॉरी सीएफसी का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को नष्ट कर देता है। और फिर एक पॉइंट और लिखो, और ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन विकिरणों से रक्षा करती है, पराबैंगनी विकिरणों से, लिख लिया गई, ये लिख लिया ना, पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करने का कार्य। फिर एक पॉइंट ये लिखो, क्लोरो
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के साथ, ओजोन के साथ क्रिया कर, क्रिया कर इसे ऑक्सीजन व मुक्त मूलक में तोड़ देता है, ऑक्सीजन व मुक्त मूलक में तोड़ देता है, मुक्त मूलक में तोड़ देता है जिससे ओजोन की सांद्रता कम होती चली जाती है, जिससे ओजोन की सांद्रता कम होती चली जाती है। और इसीलिए ओजोन परत की रक्षा के लिए फिर क्या है, हमने ओजोन दिवस बनाना शुरू कर दिया लोगों में जागरूकता के लिए। और कब होता है वो, 16 सितंबर को, याद रखना ये एक पॉइंट ये लिखो, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वैसे नहीं है कि आप ओजोन बढ़ा के ऊपर भेज दो, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओजोन जो गैस होती है ना, ये अपनी वायुमंडलीय गैस ऑक्सीजन की तुलना में क्या होती है, हल्की होती है कि भारी होती है, भारी, क्योंकि ऑक्सीजन में दो ओ है और ओ में कितने हैं, तीन है, तो वापस क्या है, वो नीचे बैठ जाएगी पेंदे के अंदर, ऊपर वापस है यहां छोड़ दे, ऊपर नहीं जाएगी वो, ऊपर कौन सी गैस जाएगी, केवल जो वायुमंडलीय गैस उससे क्या हो, हल्की हो, वही क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। एक पॉइंट और लिखो नीचे, मौसम संबंधी परिवर्तन, मौसम संबंधी परिवर्तन, मौसम संबंधी परिवर्तन और आगे लिखो डेस करके क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी परिवर्तन कोई भी नाम आ जाए ना वो क्षोभ मंडल में है। फिर लिखो दूसरा पॉइंट, वायुयान की उड़ान के लिए उपयुक्त परत, वायुयान की उड़ान के लिए उपयुक्त परत किसका नाम आएगा, लिखो समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। और आयन मंडल क्या काम करता है, इसमें बहुत सारे आयन्स हैं और ये आयन क्या करते हैं, जितने भी दूर संचारी उपकरण होते हैं ना, कि जैसे आप रेडियो सुन रहे हैं उसकी तरंगे ध्वनि तरंगे हैं, या कह दे जैसे मोबाइल वगैरह की रेंज वगैरह है, या टेलीविजन है, जितने भी दूर संचारी उपकरण काम करते किससे करते हैं, वो इस आयन मंडल के परावर्तन के कारण ही वापस आप तक वापस रेंज पहुंचती है वो। तो एक पॉइंट ये लिखो नीचे, और लिखो दूर संचारी उपकरण, दूर संचारी उपकरण, दूर संचारी उपकरण आयन मंडल के कारण कार्य करते हैं, आयन मंडल के कारण कार्य करते हैं। ये तो है थोड़ा सा आपको फ्रियोन के बारे में मेन मेन, ये पांच सात पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद कार्बन के कंपाउंड में अगला हेडिंग लिखना है, एक लिखो कोयला, कोल, कोयला, और कोयले का निर्माण कैसे हुआ है, कोयले का निर्माण कैसे हुआ, कोयला किससे बना है, लकड़ी से। ये कहते हैं कि प्राचीन समय में क्या हुई, पृथ्वी की उथल पुथल हुई जो आजकल नहीं हो रही है ना, और उस उथल पुथल के दौरान क्या हुआ कि सभी जीव जंतु, मतलब पेड़ पौधे और जंतु सारे, सारे क्या है, भूमि के अंदर क्या हो गए, दब गए, गहराई के अंदर दब गए। और भूमि में दबने से ऊपर का भूमि का क्या है, बहुत अधिक प्रेशर दाब, और अंदर क्या है, बहुत अधिक ताप, टेम्परेचर। देखते हो आप कि जैसे भाई आप खेतों में कुएं वगैरह अंदर जाओ, आप तो अंदर जाओगे तो आपको बहुत अधिक क्या है, अंदर गर्मी महसूस होगी, या घर पे खड्डा खोद के अंदर बैठ के देख लेना तो ज्यादा क्या है, गर्मी लगेगी। इसका मतलब भूमि के अंदर जो जो जाओगे ना,
टेम्परेचर बढ़ रहा है और देखते हो आप ज्वालामुखी फटता है उसमें से क्या कितना गर्म लावा निकलता है, वो भूगर्भ से यानी भूमि के गर्भ से निकलता है, तो बहुत अधिक टेम्परेचर है, तो वहां पर बहुत अधिक ताप और ऊपर से क्या लगा बहुत अधिक दाब, तो बहुत अधिक ताप और दाब से लाखों करोड़ों वर्षों में घटना हुई है। ये नहीं कि कल आप पेड़ दाब दो नीचे यूं दबा के कह दो कि परसों कोयला तैयार है, तो उसको क्या है बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे। और इस समय के दौरान क्या हुआ, अधिक ताप और दाब से जो लकड़ी थी ना वो सारी चेंज किस में हो गई, वो सारी कोयले के अंदर परिवर्तित हो गई। अब सभी तो यूं तो है नहीं, सभी एक ही गहराई में दबे, कुछ ऊपर दब गए और कुछ जैसे मेरे जैसे हल्के थे ऊपर दब गए, आप जैसे भारी थे वो नीचे चले गए, तो मतलब अलग अलग गहराइयों में दबे, कुछ हल्के ऊपर नीचे ऐसे, इसलिए क्या है अलग अलग प्रकार के क्या बन गए कोयले बन गए, कोयले की अलग अलग क्या होगी किस्म होगी। और जंतु दबे ना, जितने भी जंतु मतलब हम किस में आते हैं जंतु में आते हैं, और पेड़ पौधे जंतु मिला दें तो क्या बोलेंगे जीव, क्या बोलेंगे जीव बोलते हैं, तो जीव के दो भाग है वनस्पति और जंतु, तो जंतु जो दबे उससे क्या बना पेट्रोलियम पदार्थ बना, आज पेट्रोल निकल रहे हो बाड़मेर में जैसे है ना जैसलमेर वगैरह में अधिकतर क्या है पेट्रोल निकल रहा है, क्यों, क्योंकि पहले वहां पर क्या था थार के मरुस्थल से पहले क्या बोलते हैं वहां पर क्या था टेती से सागर था, और सागर में बहुत सारे क्या थे जीव थे, मछलियां वगैरह बड़े बड़े व्हेल मछलियां वगैरह वो थे सारे दब गए अंदर, और दबने से उनके दबने से क्या बन गया पेट्रोल का निर्माण, तो उस टाइम जंतु कम थे तो पेट्रोल कम बना, पेड़ पौधे क्या थे ज्यादा कोयला अधिक बना, आज हो जाए तो उथल पुथल अगले आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या हो कोयला तो कम लेकिन पेट्रोल की कमी नहीं रहेगी, फिर ये रेट 110 नहीं रहेगा, थोड़ा क्या जाएगा कम हो जाएगा। तो ये जो है पृथ्वी की उथल पुथल हुई उस दौरान क्या है कोयले का निर्माण हुआ, और लकड़ी से कोयले बनने की क्रिया जो है ना इसको क्या बोलते हैं, ये याद रखना एक पॉइंट आपको, क्या बोलते हैं कार्बनीकरण। तो लकड़ी से जब कोयला बना भूगर्भ में इसको क्या बोलते हैं कार्बनीकरण कहते हैं, और अलग अलग चार प्रकार के कोयले बने और उनको बोलते हैं कोयले के अलग अलग चार किस्में, उनके आपको कर्म से नाम याद रखने, इन कोयले के अंदर आपके चार पांच मेन मेन प्रश्न बनेंगे वही आपको याद रखने। पहला कोयला कौन सा है, नंबर एक पीट, नंबर दो लिग्नाइट, लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिन्स। अब है ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सड़क निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, और वहां पर है ना लिखा हुआ था कोलतार डमर ऐसे लग लेते हैं कोलतार चार कोल बिटुमिन्स, तो हम बोलते बिटुमिन्स कोयला ही है, लेकिन कोयले को क्या है बहुत अधिक गर्म करके उसको पिघलाकर बिटुमिन्स बनाते हैं, वो अलग है, वो सड़क निर्माण में काम आता है। सड़क निर्माण के दौरान जो है ना सड़क बनाने से पहले काला काला सा एक तेल से डालते हैं ना आगे आगे, उसके बाद सड़क बनाते हैं, वो कौन सा होता है बिटुमिन, तो याद रखना बिटुमिन को काम में लेते हैं सड़क निर्माण में। और चौथा कौन सा है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट ये कोयले के चार किस्में, और इन किस्मों में याद रखना है सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है पीट, यहां से चलेंगे ना नीचे की तरफ इनकी श्रेष्ठता क्या है बढ़ती जाएगी, सबसे उत्तम किस्म वाला कोयला कौन सा है एंथ्रासाइट। तो इसकी किस्म का निर्धारण किससे होता है, एक तो इसकी कार्बन की प्रतिशत मात्रा से, किस कोयले में कार्बन कितना है, और कार्बन जितना ज्यादा ना उससे उष्मा ही उतनी ज्यादा मिलेगी यानी उससे अधिक क्या मिलेगा ताप, तो टेम्परेचर सबसे अधिक किसमें होगा एंथ्रासाइट देगा, सबसे कम कौन देगा पीट देगा, और पीट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है लगभग 50 से 60% तक, इसमें 60 से 70%, और एग्जाम में जो आता है इस प्रश्न वहां लिखा हुआ है एक भूरी किस्म का कोयला जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 67 होती है, तो वह कोयला कौन सा है, इसको भूरा कोयला ही बोलते हैं, कौन सा है लिग्नाइट होता है जिसमें 67% लिखते हैं, लेकिन 60 से 70% तक इसमें कार्बन की मात्रा है, बिटुमिन में 80 से 88% तक, और इसमें 90 से लेकर 96-98% तक कार्बन होता है।
सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किसमें होती है? एंथ्रेसाइट में। सबसे कम किसमें होती है? पीट वाले में। जिसमें कार्बन ज्यादा उसके द्वारा ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा। तो सबसे अधिक उष्मा देने वाला कोयला कौन सा है और सबसे कम कौन सा है? पीट। उत्तम कौन सा है? एंथ्रेसाइट। और घटिया किस्म वाला कौन सा है? किस कोयले को भूरा कोयला बोलते हैं? लिग्नाइट। किस कोयले को सॉफ्ट कोल या कहते हैं कि मुलायम कोयला कहते हैं? किसको बोलते हैं? बिटुमिन से इसको मुलायम कोयला बोलते हैं। राजस्थान में पाया जाने वाला मुख्य कोयला कौन सा है? लिग्नाइट। हमारे राजस्थान में पढ़ते हो पलाना ये फुलाना ढिकड़ा, पढ़ते हो ना पलाना फुलाना ढिकड़ा, ऐसे पलाना की खाने उसमें क्या है? लिग्नाइट कोयला। राजस्थान में मेन कौन सा होता है? ये लिग्नाइट वाला कोयला पाया जाता है। और ये कहते हैं उत्तरी ध्रुव जो है ना उसमें कोयले की मात्रा सबसे अधिक है। जितना कोयला ना सारा उस कोयले में से 90% कोयला उत्तरी ध्रुव के अंदर है। दक्षिण ध्रुव के अंदर कितना है? केवल 10% कोयला ही पाया जाता है। और हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? कोयले को निकाल रहे हैं और फटाफट के इसको काम में ले रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये खत्म हो रहा है। और खत्म हो रहा है तो क्या इसका निर्माण दोबारा संभव है? क्या नहीं है, क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए इसका निर्माण संभव। इसलिए ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? नवीनीकरणीय या अनवीनीकरणीय? अनवीनीकरणीय, यानी जिसका दोबारा नवीनीकरण नहीं हो सकता। पेट्रोल है, सभी प्राकृतिक गैसें हैं, कोयला, ये किसमें आते हैं? सारे अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो ये क्या है? ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत है। तो इसमें ये मेन मेन आपको 5-7 पॉइंट याद रखने कोयले में। फर्स्ट लिखो पहला पॉइंट लिखो, कोयले में प्राचीन समय में भूमि में पेड़ पौधों के दबने से, प्राचीन समय में भूमि में पेड़ पौधों के दबने से, पेड़ पौधों के दबने से लकड़ी के कार्बनीकरण से, ये पॉइंट याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लो। लकड़ी के कार्बनीकरण से कोयले का निर्माण हुआ, लकड़ी के कार्बनीकरण से कोयले का निर्माण हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। और फिर अगला पॉइंट लिखो, प्रकृति में कोयले की चार किस्में हैं, प्रकृति में कोयले की चार किस्में हैं, प्रकृति में कोयले की चार किस्में हैं। चारों के नाम लिखना है और चारों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा लिखनी है, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। PLBA PLBA से याद कर सकते हो। और कार्बन की परसेंट लिख लो सबके आगे, और लिखा ना लिग्नाइट इसके आगे लिख लो ब्रैकेट में, लिखना 67% अलग से लिखना, इसके आगे ना ब्रैकेट में इसमें 67 अगले से लिखना। ये कई बार पूछते हैं 67% अलग से लिग्नाइट वाले में। फिर लिखना कोयले की श्रेष्ठता का क्रम, श्रेष्ठता का क्रम मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, एंथ्रेसाइट बिटुमिन लिग्नाइट और पीट, इस तरह लिख लो शॉर्ट में। कार्बन की प्रतिशत मात्रा का क्रम सेम यही रह जाएगा ना, ऊपर वाला क्रम ही रह जाएगा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा का क्रम यही रहेगा। उष्मा
देने का क्रम। उष्मा देने का क्रम भी यही रहेगा। इस तरह से और फिर लिखना आगे धुआं देने का क्रम। अब बताओ धुएं में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, पेट सबसे अधिक धुआं निकालेगा बाहर। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन, एंथ्रेसाइट, धुआं देने का क्रम। और फिर एक इसका लिखना लिग्नाइट का। लिखना भूरा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा या प्रतिशत मात्रा 67% होती है। भूरा कोयला, निचले को भूरा कोयला जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 67%, भूरा कोयला जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 67% और अगले को डेस करके किसका नाम आएगा? लिग्नाइट, लिग्नाइट। लिग्नाइट और फिर एक लिखो, लिख लिया ये कार्बन की भूरा कोयला और सॉफ्ट कोयला कौन सा है? बिटुमिन। एक और लिखो मुलायम कोयला, बिटुमिन, मुलायम कोयला, बिटुमिन्स, बिटुमिन्स। और एक और लिखो राजस्थान में पाया जाने वाला मुख्य कोयला, राजस्थान में पाया जाने वाला मुख्य कोयला कौन सा होगा? लिग्नाइट। राजस्थान में पाया जाने वाला मुख्य कोयला लिग्नाइट। लिग्नाइट और एक और लिखो सड़क निर्माण में बिटुमिन्स का उपयोग किया जाता है, सड़क निर्माण में बिटुमिन्स का उपयोग किया जाता है, सड़क निर्माण में बिटुमिन्स का उपयोग किया जाता है। इसको अंडरलाइन कर लो, ये कई बार पूछा गया है, सड़क निर्माण में बिटुमिन्स का उपयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से है ना, अगर हम कोयला जो है, इस कोयले को अगर हम वायु के अनुपस्थिति में जलाएं, इसको ऑक्सीजन गैस ना दें, उसमें जलाएं तेज, और जलाओगे इसमें वाष्पशील पदार्थ जो है ना, कोई जल वाष्प वगैरह सारी उड़ जाएगी, उड़ने के बाद केवल कार्बन शेष रहेगा, और उसको क्या बोलते हैं? कोक। क्या बोलेंगे? कोक बोलते, जिसमें लगभग 85% कार्बन शेष रहता है, वह कहलाता है कोक। इसके अलावा अगर कोयला है, इसको क्या करें? वायु के थोड़ी सी उपस्थिति में जलाएं, अपर्याप्त वायु में जलाएं, यानी सफिशियंट नहीं हो, थोड़ी सी हल्की सी दे दें जलाए, तब इस कोयले से क्या बनेगा? धुआं बनेगा। और उस धुएं का यूज काजल के रूप में किया जाता है, जिसमें लगभग यही 85 से लेकर 90% तक क्या होता है? कार्बन होता है। और इसी काजल का यूज यानी काली स्याही बनाने के अंदर भी होता है, इलेक्ट्रोड बनाने के अंदर भी होता है, या आंखों के अंदर लगाने के अंजन, अंजन बोलते हैं अंजन, अंजन के रूप यानी आंखों के अंदर लगाते, उसको अंजन, तो अंजन के रूप में भी इसे यानी काजल का यूज भी करते हैं। और इसके अलावा इसी में एक नाम आता है, ये जिसके बारे में दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या नाम है? चारकोल। अब चारकोल मतलब, चारकोल का अर्थ क्या है? देखा कभी आपने चारकोल? ये चारकोल कभी देखा है क्या? हाँ या ना? देखा है तो हाँ, नहीं देखा है तो ना, इतनी बात है बस। ऐसे आंख निकाल निकाल के देखने से चारकोल दिखेगा नहीं। अब बताओ हाँ या ना है? ना ना ना, इस गर्दन से हाँ और मुंह से ना,
बोलो देखा है ये क्या होता है? चारकोल डामर, डामर ये होता है, ये दोनों नाम एक से हैं, चारकोल कोलतार, ये इसको बोलते डामर कोलतार को, गाढ़ा सा लिक्विड काले रंग का वो कोलतार है। चारकोल क्या है कि जैसे लकड़ी वगैरह को जलाओ आप, जैसे घरों में जलाते हैं ना, जैसे आजकल तो बंद हो गया, जैसे गांव वगैरह में भी चल रहा है कि जैसे घरों के अंदर चूल्हा ना, चूल्हा कच्चे वाला चूल्हा, उसके ऊपर तवा रख के और आप रोटी बनाते हो तो बोलते हो ना आप कि वो बड़ी रोटी बहुत ही स्वादिष्ट होती है कि भोबर में रोटी बना दियो बा, बोलते ना यू। और एक तवा वाली मतलब उसमें गैस पे बनाओ तो उसमें रोटी का स्वाद नहीं रहता, क्यों? क्योंकि उसकी राख नहीं लगती, और जब तक राख नहीं लगे तब तक आपको स्वाद आता नहीं है। बर्ता खाओ ना, बर्ता तो बर्ता खाने वाला काम वो है राख वाला। तो वहां जो आप लकड़ी जलाते हो ना, लकड़ी जलाओगे जलाओगे तो उस तवे के नीचे है ना कालिस रंग का ना कालिक लग जाए, बोलते कालिस कालिक, उस तवे वाले कालिक को आप खुरच के उतार लो। उतारने के बाद जो वो जो पाउडर है ना उसको क्या बोलते हैं? चारकोल। और कई बार बहुत तेज आंच लगाओ यूं धक्कड़ बोझ, बोलो आप धक्कड़ बोझ कर दो, बोलते ना आप यूं कि धक्कड़ बोझ कर दो तो तेज आंच लगाओ ना यूं, तो तेज लकड़ी लगाने से तो ये चारकोल जलने लगता नीचे से है ना, तो बोलते तो हंसा आज, तो बोलते आज तो हंसा है कोई ना कोई मेहमान हंसी, तो हंसा कौन है? वो चारकोल हंसा है वो, तो वो एक चारकोल है। और इस चारकोल में सबसे एक बड़ी एक प्रॉपर्टी होती है, गुण है, वो क्या होता है? चारकोल में अधिशोषण की बहुत अधिक क्षमता होती है। अधिशोषण मतलब किसी अशुद्धि को अपनी सतह के ऊपर चिपका लेने की क्षमता, वो उसको बोलते अधिशोषण। पुराने जमाने में, आजकल तो लगभग खत्म हो गया, लेकिन पुराने जमाने में क्या है, दांत साफ करने के लिए कोयला लेते थे काम में, कोयले रगड़ता ही पकड़ पकड़ के, या कोयले का पाउडर लगाते रगड़ते थे है ना, राख भी, तो कोयला अधिकतर काम में लेते, तो वो क्या है अशुद्धियों को या गंदगी को सोख लेता है। आप चेक कर लेना चाहिए घरों के अंदर है ना, जैसे स्याही की बोतल हो उसमें आप तवे के नीचे उतार के पाउडर डाल देना चाहिए, थोड़े ला लो, उसको लाने के बाद क्या करेगा वो कालिक या चारकोल, उस स्याही में से रंग वाला जो भाग है ना, रंजक वाला भाग जिससे स्याही नीली हो रही है, उस रंजक को अलग कर देगा और पानी को क्या कर देगा? अलग, बिल्कुल साफ हो जाएगा पानी। या कोई रंगीन ले लो आप कलर, कोई सोल्यूशन कि जैसे पानी उसके अंदर लाल रंग डाल दिया, या लाल सही की एक बूंद डाल दी, पानी लाल लाल हो गया, पिंक कलर का है, लाल हो गया, उसमें आप डाल दो चारकोल, डाल के कुछ देर ही ला लो, उसके बाद क्या करेगा चारकोल उस रंग वाले भाग को अपने ऊपर चिपका लेगा और पूरा पानी से अलग हो जाएगा, पूरा पानी बिल्कुल क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। और आजकल तो टीवी के अंदर दिखाते हैं सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में मुंह के ऊपर काला काला घूमता हुआ, चारकोल युक्त ये करीम है वो करीम है, आते ना, तो वहां भी चारकोल काम में लेने लगे। पहले टूथपेस्ट के अंदर है ना, पहले नमक आया, फिर उसके अंदर नींबू आया, अब आजकल क्या रहा है? चारकोल, चारकोल वाला भाग रहा है। इसका मतलब चारकोल जो है इसमें अधिशोषण की क्षमता होती है। इसमें एक ही पॉइंट याद रखना आपको कि गैस मास के रूप में अगर कहीं कोई बिल्डिंग में आग लग जाए ना, तो वहां पर दमकल कर्मी आते हैं, वो गैस मास्क लगा के अंदर लगा जाते हैं, तो उस गैस मास्क के अंदर क्या है, मुख्य रूप से चारकोल भरा रहता है। अगर सांस लेंगे ना, अंदर जाओगे बिल्डिंग के अंदर, हो सकता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जला कुछ पदार्थ, सीओ भी बनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी है, सीओ टू बनी है, एसओ टू बन गई, एसओ थ्री बन गई, मतलब बहुत सारी विषैली गैसें भी बनती है अंदर, क्या है दम घुटने से क्या व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है उसको सांस लेने के लिए। तो आगे क्या करता है, चारकोल लगा के रखता है। तो चारकोल क्या करेगा, जब सांस लेंगे ना तो जितने भी हानिकारक गैसें हैं ऑक्सीजन के अलावा उनको वहीं पर रोक लेगा बाहर, सिर्फ अंदर क्या जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी। तो हानिकारक गैसों के अधिशोषण के लिए गैस मास्क के रूप में सक्रिय चारकोल का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट आपको चारकोल में याद रखना है। तो नीचे अलग से दो पॉइंट और लिख लो, और इसमें लिखो वायु के अनुपस्थिति में, वायु के अनुपस्थिति में कोयले को जलाने पर, कोयले को जलाने पर वाष्पशील पदार्थ हट जाते हैं, वाष्पशील पदार्थ हट जाते हैं तथा इसमें, तथा इसमें
लगभग 85% कार्बन शेष रहता है, लगभग इसमें 85% कार्बन शेष रहता है, जिसे कोक कहा जाता है, जिसे कोक कहा जाता है, कोक कहा जाता है। और फिर एक पॉइंट और लिखो, कोक का उपयोग ईंधन के रूप में, यानी ईंधन में जलाने के अंदर काम लेते हैं, ईंधन के रूप में कोक का उपयोग ईंधन में, इलेक्ट्रोड निर्माण में ईंधन में, धातु निष्कर्षण में किया जाता है। और फिर अगला एक पॉइंट और लिखो, वायु के अपर्याप्त मात्रा में कोयले को जलाने पर काजल का निर्माण होता है। और आपने देखा है घरों में है ना, महिलाएं काजल खुद बनाते थे घरे, पहले तवा उल्टा रख के दीपक लगा के है ना, उसको अभी बनाते हैं ना, फिर उसके हाँ उसको अलग करके फिर उसमें घी वगैरह मिला के है ना थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, छोटी सी एक डिब्बी के अंदर डाल लेते हैं। आजकल तो अलग आते हैं लेक में काजल, 24 घंटे तक जाएगा नहीं, वो अलग है, वो वाली बात नहीं। पहले जो कहा था काजल, उसमें क्या है कि बच्चे जो छोटे बच्चे उनकी आंख को बड़ा करने के अंदर भी काम आता था वो, आंगनी बढ़ गई आंख डाल देती हूँ जोर लगा के और तक कुछ लगा देता हूँ तो आंख क्या हो जाएगी थोड़ी बड़ी हो जाती है, आजकल आंख छोटी होगी बच्चों, क्यों कि लक में वाला लगाते हैं। तो एक लाइन और लिखो, काजल का निर्माण होता है जिसका उपयोग काली स्याही बनाने व आंख में लगाने में किया जाता है, और फिर एक पॉइंट इसका लिखो नीचे, और इसमें लिखो, चारकोल में अधिशोषण की क्षमता, एडजॉर्प्शन बोलते हैं अधिशोषण, यानी सतह पर चिपकना, पीछे बताया मैंने आपको ये अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की क्षमता बहुत अधिक होती है, अधिशोषण की क्षमता बहुत अधिक होती है। अतः हानिकारक गैसों के अधिशोषण के लिए गैस मास के रूप में सक्रिय चारकोल का उपयोग किया जाता है। और चारकोल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो लकड़ी से बना हुआ चारकोल, क्या बोलेंगे, कास्ट चारकोल या लकड़ी का चारकोल, लकड़ी जलाने से, एक जंतुओं की हड्डियां जलाने से प्राप्त चारकोल, हड्डियों से प्राप्त काला बुरादा, वो क्या है, वो जंतु चारकोल या एनिमल चारकोल होता है। जितने भी जंतु मरते हैं ना उनको आप कहीं बाहर बीड वगैरह फेंकाते हो, वहां से क्या है उनकी हड्डियों को क्या है फैक्ट्री वाले उठाकर ले जाते हैं, तो वहां पर फिर उनको जला के क्या बनाते हैं, जंतु चारकोल। और उसका यूज कहां होता है, चीनी मिलों में, चीनी जो बनाते हैं ना उन मिलों में
चीनी का जो पानी होता है ना, जैसे गन्ने का रस निकालोगे तो बिल्कुल क्या है, रंगहीन या कलरलेस पानी जैसा नहीं होता, वो क्या गाढ़े भूरे रंग का होता है। अगर उसका क्रिस्टलीकरण करके चीनी बनाओगे, चीनी के दाने बिल्कुल क्या भूरे रंग के बनेंगे। तो उसको थोड़ा कलरलेस रंगहीन बनाने के लिए, सुंदर रखे, क्या करते हैं, उस गन्ने वाला जो रस है उसको जंतु चारकोल यानी जंतु के चारकोल के ऊपर से प्रवाहित करते हैं। अब चीनी खाते हो ना आप लोग, तो उसके ऊपर से पास करेंगे, और पास करेंगे तो क्या करेगा, जंतु चारकोल उस गन्ने के रस से जो कलर है ना, उस कलर को अपनी सतह के ऊपर क्या कर लेगा, सोख लेगा, पकड़ लेगा, और उसके ऊपर से पास होने के बाद जो प्राप्त होगा चीनी का रस, बिल्कुल क्या होगा, कलरलेस होगा। तो चीनी मिलों में चीनी को रंगहीन करने के लिए या चीनी के विलयन में से रंग हटाने के लिए किसको काम में लेते हैं, जंतु चारकोल काम में लिया जाता है। तो जो व्हाइट चीज है ना, उनको तो खाना ही नहीं चाहिए, व्हाइट नमक और व्हाइट चीनी, गुड़ खा लिया करो उसकी जगह, चाय गुड़ की चाय पी के देखो एक बार, कभी आपको बार बार पीने की इच्छा होगी। अगला लिखो है, गुड़ मिलता है ना आजकल, गुड़ हाँ सल्फर भी लेते काम में, गुड़ के अंदर ही सल्फर काम में लेते हैं, पहले निकलता ना गुड़ वगैरह वो खेतों के अंदर गाड़ियों वगैरह में निकालते, खुद ही निकालते, उसके अलग अलग बोलते ना बेली, बोलते ना बेली बनाता, और बात वगैरह ले जाता बेली बात के अंदर, तो वो आजकल ट्रेंड बेली वाला खत्म हो गया, गुड़ के छोटे छोटे पार्ट आते हैं। तो गुड़ काम में ले लिया करो, किसकी जगह, चीनी की जगह, याद रखना। एक पॉइंट और लिख लो चाहिए, और लिखो, चीनी मिलों में चीनी में से रंग को हटाने के लिए जंतु चारकोल का उपयोग, एनिमल चारकोल, जंतु चारकोल का उपयोग किया जाता है, जंतु चारकोल, जंतुओं की हड्डियों से बना हुआ चारकोल, जंतु चारकोल का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जब भूमि में जंतु दब गए उससे क्या बन गया, पेट्रोलियम पदार्थ, क्या बन गए, पेट्रोलियम पदार्थ। तो कार्बन या कहते कोयला जो है ना, ये क्या है, ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, अनवीनीकरणीय स्रोत, जिसको दोबारा निर्माण संभव नहीं है। नीचे एक पॉइंट लास्ट और लिख लो, ये लिखो, कोयला ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत है। और पेट्रोलियम पदार्थ जंतुओं से मिला, और पेट्रोलियम का अर्थ क्या होता है, पेट्रो प्लस ओलियम, पेट्रो मीन्स चट्टान, ओलियम मीन्स तेल, चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल। तो भूमि के अंदर है ना बहुत अधिक गहराई में, 400 मीटर 500 मीटर 1000 मीटर तक नीचे जाओगे ना, तब क्या है, पेट्रोलियम वाले भाग शुरू होते हैं, और पेट्रोल से पहले ऊपर जो भाग है ना, ऊपर वाला भाग, वो प्राकृतिक गैसें प्राप्त होती है, जिसमें हम सीएनजी और एलपीजी काम में लेते हैं घरों में, वो उसी से मिलती है, किससे, पेट्रोलियम के निष्कर्षण से साथ में गैस भी प्राप्त होती है। बोलते ना गैस का कुआ, और ये क्या बोलते हैं, पेट्रोल का कुआ। तो पेट्रोल निष्कर्षण में साथ में क्या, गैस भी आपको साथ में फ्री में प्राप्त हो जाती है। सीएनजी और एलपीजी के बारे में हमें दो चार पॉइंट लिखने हैं। तो पेट्रोलियम जो है ना, उसमें बोलते हो आप पेट्रोलियम पदार्थ बोलते हो, इसका मतलब उसमें बहुत सारे पदार्थों का एक मिक्सर या मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें अलग अलग कार्बन की संख्या के धर्म अलग अलग उसके नाम है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, अभी हमने चर्चा की कोल तार है ना, या नेफ्ता बोलते, नेफ्ता है, गैसोलीन है, या मोम है, मोम वगैरह है ना, मोम है। तो ये सारे किससे मिलते हैं, सारे पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होते हैं। और फिर हमें इसमें एक नाम याद रखना है, एक होता है ऑक्टेन नंबर। कई बार पूछते हैं, किसी ईंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा ईंधन अच्छा है या कौन सा कम क्वालिटी वाला है, तो उसके उसके लिए पैमाना एक काम में लेते हैं, और पैमाना कौन सा है, उसको बोलते हैं ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या के बेस पर किसकी कितनी ऑक्टेन संख्या, उसके आधार पर ईंधन की गुणवत्ता निकालते हैं। तो अगर आ जाए ईंधन की गुणवत्ता, तब तो ऑक्टेन संख्या, और अगर ये आ जाए
डीजल आ जाए या पेट्रोल आ जाए, उनकी गुणवत्ता के लिए C10 संख्या काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? दो नाम याद रखने सिर्फ आपको है, क्या कोई मतलब नहीं है। C10 डीजल के लिए उनके लिए, और ईंधन के लिए क्या है, ऑक्टेन संख्या काम में ली जाती है। तो नीचे एक पॉइंट और लिख लो, चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल, चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल क्या बोलेंगे, पेट्रोलियम पदार्थ या पेट्रोलियम, काला सोना, पेट्रोलियम या पेट्रोल। और अगला एक पॉइंट लिखो, पेट्रोलियम पदार्थ विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, इसे याद रखना। ये पेट्रोलियम पदार्थ विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, इसको अंडरलाइन कर लो, पेट्रोलियम पदार्थ विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। और इसका निर्माण किससे हुआ है, भूगर्भ में जंतुओं के दबने से। एक लाइन लिख लो, भूगर्भ में जंतुओं के दबने से पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण, पेड़ पौधों से कोयला बना है और भूगर्भ में जंतुओं के दबने से पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण, जंतुओं के दबने से पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण, पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण। और फिर एक पॉइंट और लिखो, ईंधन की गुणवत्ता के लिए ऑक्टेन संख्या, ईंधन की गुणवत्ता के लिए ऑक्टेन संख्या, गुणवत्ता के लिए ऑक्टेन संख्या व डीजल की गुणवत्ता के लिए C10 संख्या काम में ली जाती है। C10 संख्या काम में ली जाती है, डीजल की गुणवत्ता के लिए C10 संख्या काम में ली जाती है। और पेट्रोलियम निष्कर्षण में ऊपर क्या मिलेंगे, प्राकृतिक गैसें। देख लाइन लिखो, पेट्रोलियम निष्कर्षण के दौरान, पेट्रोलियम निष्कर्षण के दौरान पेट्रोल से ऊपर या पेट्रोलियम पदार्थों से ऊपर, पेट्रोलियम निष्कर्षण के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों से ऊपर, पेट्रोलियम पदार्थों से ऊपर प्राकृतिक गैसें प्राप्त होती हैं, प्राकृतिक गैसें प्राप्त होती हैं, नेचुरल गैसेज, पेट्रोलियम पदार्थों से ऊपर प्राकृतिक गैसें प्राप्त होती है। और इसमें दो नाम याद रखने आपको, एक तो CNG और दूसरा नाम क्या है, और एक बार एग्जाम में जब पहली बार हो ना, सबसे पहले 2012 में जब टेट का एग्जाम हुआ था ना, पहली बार टीट बाद में बनी, टेट है ना धीरे धीरे बड़ी होगी, बाद में क्या होगी, TET टेट से RWE रिट थोड़ी बड़ी होगी, रिट से फिर आगे मेन एग्जाम थर्ड ग्रेड, थोड़ा बड़ा हो गया, तो धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है ये। तो उस टाइम में 2012 में है ना, ये प्रश्न पूछा गया था कि CNG का पूरा नाम क्या है, तो CNG का छोटा सा आया था एक पूरा नाम, तो क्या था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नीचे है ना दो नाम लिखना है ऐसे, LPG, बस दो ही मिनट का ये, और एक तरफ लिखो CNG। कई बार पूछते हैं LPG में मुख्य घटक कौन सी गैस होती है, पहले जिसका पूरा नाम बताओ, LPG का लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, और इसके अंदर मुख्य गैस कौन सी होती है, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इन गैसों का मिश्रण है ये, कौन है, LPG, जिसको घरेलू गैस कहते हैं,
घरों में जो सिलेंडर काम में लेते हो ना पे, बोले तो एलपीजी का सिलेंडर, तो वो कौन सी है? यही गैसों का मिश्रण घरों में काम में लेते, इसको किचन गैस या महिला गैस, अधिकतर क्या है रसोई में महिलाएं काम में लेती, इसको महिला गैस बोल सकते हो, इसको क्या है रसोई गैस बोलते, किसको? एलपीजी को। ये याद रखनी है, मेन मेन गैस है। दूसरा इधर सीएनजी, और सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये नाम लिखना आपको पूरा नाम, पहले इनके दोनों के पूरे नाम लिखो। एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला लिखना मुख्य घटक, मुख्य घटक क्या होगा एलपीजी का? लिखो प्रोपेन ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन का मिश्रण, मुख्य घटक जो है इसका वो प्रोपेन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण, इनका मिश्रण है। और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? 80% इसमें क्या होती है? मीथेन होती है, जिसको मेथेन लिख देते हैं या मीथेन, एक ही बात है, CH4। जिस गैस में प्राकृतिक नाम आ जाए ना, कोई भी गैस हो, जिस गैस में प्राकृतिक नाम कहीं भी आ जाए उसका मुख्य घटक क्या होगा? मीथेन ही होगा। सीधा नाम आ जाए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन, गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन, सबका मीथेन ही है। और एलपीजी को क्या बोलते हैं? रसोई गैस, रसोई गैस। और इसका यूज क्या होता है सीएनजी का? मोटर गाड़ियों में, वाहनों में ईंधन के रूप में, व्हीकल में, वाहनों में ईंधन के रूप में, वाहनों के अंदर ईंधन के रूप में इसको काम में लेते हैं। आजकल सीएनजी के पंप भी लगने शुरू हो गए, सीएनजी वाली गाड़ियां स्टार्ट हो गई है। अब सीएनजी आने से पहले इलेक्ट्रिक आ गई, अब इलेक्ट्रिक के पॉइंट शुरू हो गए, चार्जिंग पॉइंट शुरू हो गए, तो सीएनजी थोड़ा सा फ्लॉप हो गया यहां। हाँ चल रही हो तो आजकल जैसे देखते हो ना आप कई बार कि नगर पालिका के पास खड़ी गाड़ी में आग लगी, सुबह है ना अखबार में आता आग लगी दिखाते हैं, तो कारण क्या होता है वहां पर क्या करते हैं वो गाड़ी के अंदर गैस में सीएनजी की जगह घर वाला सिलेंडर लगा लेते हैं एलपीजी वाला, है ना, काम तो करता है वो भी, ईंधन ही है, लेकिन ये वाला काम नहीं करता जो ये करता है। ये हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा हानिकारक है एलपीजी वाला। अब कहते हैं ना सीएनजी और एलपीजी में श्रेष्ठ कौन सी है, तो सीएनजी श्रेष्ठ है। क्यों? क्यों? गाड़ियों में डालते इंडा दे, गाड़ी गाड़ियों में डालते सीएनजी और गाड़ी देते इंडा, इंडा दे तो सबसे उत्तम है। तो अगर इस गैस का रिसाव हो जाए ना, अगर मान लो गैस निकल गई, ये भी इसका रिसाव हो गया, अगर गैस का रिसाव हो जाए तो एलपीजी देखो इसमें प्रोपेन 3 कार्बन, ब्यूटेन 4 कार्बन, आइसोब्यूटेन 4 कार्बन, मतलब इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, और इस मीथेन में देखो 1 कार्बन है, कौन सी भारी है? ये एलपीजी भारी है, सीएनजी क्या है? हल्की है। और जो भारी गैस होती है अगर उसका रिसाव हो जाए तो वो क्या भूमि के ऊपर ही रह जाएगी, वहीं पर ऊपर नहीं जाएगी उड़कर, और सीएनजी हल्के होने के कारण क्या ऊपर की तरफ उड़ जाती है। तो अगर मान लो कहीं रिसाव हो गया, और रिसाव हो गया तो सीएनजी क्या है ऊपर चली जाएगी, जिससे क्या दुर्घटना होने की संभावना कम रहती है। एलपीजी वहीं पर किचन के अंदर फैल जाएगी, और उससे क्या है दुर्घटना होने की क्या रहेगी अधिक संभावना। अगर आपको यह कह दे कि गैसें होती है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, गैस जो होती है आपके चार्टर गैस है सारी क्या है रंगहीन, उसका कोई रंग नहीं है, गंधहीन सांस लेके देख लो कोई गंध नहीं आ रही, स्वादहीन खाके देख लो कोई स्वाद नहीं आता, कोई भी गैस हो, लेकिन आपको पता है एलपीजी है या सीएनजी है, अगर ये इसका रिसाव हो जाए तो उसमें एक स्मेल आती है अजीब प्रकार की, जले हुए लहसुन जैसी स्मेल आती है इसमें, तो वो किससे आती है? उसमें मरकेप्टेन डाल देते हैं, सल्फर का कंपाउंड है मरकेप्टेन,
वो डालने से अगर रिसाव होगा ना तो बाहर हमें पता लग जाएगा ये गैस निकल रही है, अगर नहीं डालेंगे ना तो रिसाव होता रहे पता नहीं चलेगा। और रिसाव हो गया, राजा किचन में थोड़ी सी दिया सलाई जलाई और लंपुल फक दिलंपुल आ गयो। तो मतलब उससे बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए क्या करते, उसमें मरकेप्टन मिलाया जाता है। ये चार पांच पॉइंट आपको कल खुद लिख के लाने है ना, एलपीजी में जो बताया वो और सीएनजी में बताया वो, कल देखूंगा कॉपी चेक करूंगा उसके बाद आगे करेंगे। आ जाओ सर।